हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैंने एक वीडियो का यहीं से एंड किया था और अभी यहीं से मैं स्टार्ट भी कर रही हूँ। तो अभी देखिए, जो कुंदन सर हैं वो एक माला लाने गए थे, हार पंडित जवाहरलाल नेहरू के फ़ोटो पे पहनाने के लिए, तो वही लेके आए हैं और पहना भी दिया है। तो अभी सब क्या करेंगे, बारी बारी से पंडित जी की आरती करेंगे, चंदन लगाएंगे और उनके चरणों में फूल भी चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बड़ी मैडम कर रही हैं, उसके बाद बच्चे भी करेंगे और बाकी सब टीचर्स जो हैं बारी बारी से उनकी आरती करेंगे, फूल चढ़ाएंगे। तो आप सभी से गुजारिश है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ ना तो उसका नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुँच जाए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करके मेरा सपोर्ट भी करिएगा, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर देखिए, सारे बच्चों ने मिलकर एक साथ आरती किए तो बहुत अच्छे लग रहे थे बच्चे। और अभी कुंदन सर आरती कर रहे हैं, इसके बाद कृष्णा सर करेंगे और भूषण सर भी खड़े हैं, संतोष सर भी खड़े हैं, एक और टीचर हैं जिनका नाम मुझे नहीं पता, तो सब मिलके पहले आरती कर लेंगे। और अभी जो आए हैं ना, इनका नाम संतोष सर है, तो ये अभी तिलक कर रहे हैं, पीछे हम लोग खड़े हैं और बच्चे भी देखिए पीछे हैं। सारे बच्चे एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि अभी केक भी कटेगा ना और बच्चों को गिफ्ट भी दिया जाएगा, तो इसीलिए सारे बच्चे एक्साइटेड है। वैसे लेट भी हो रहा था, टाइम कुछ ज़्यादा हो गया था, तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर तिलक करने के लिए और बगल में ही केक रखा हुआ है, केक भी कटेगा, तो अभी मैं आरती कर लेती हूँ। और देखिए बच्चे के इतना कोलाहल मचा रहे हैं, बच्चे का जो कोलाहल होता है ना, स्कूल उसी से सोखता है। ऐसे जब बच्चे की छुट्टी हो जाती है तो पूरा स्कूल जो है खाली खाली सूना सूना लगता है, लेकिन बच्चे जब रहते हैं ना तो उनके हलचल से स्कूल जो है एकदम खुशनुमा बना रहता है। वैसे भी बच्चों से ही सोखता है स्कूल, और जैसे ही छुट्टी हो जाती है तो पूरा ये ग्राउंड जो है मतलब कि खाली हो जाता है, स्कूल पूरा खाली हो जाता है, एकदम सुनसान जैसा लगता है। तो यहाँ पे देखिए सारे लोग थोड़ा सा हंसी मजाक भी करते हैं क्योंकि कुछ खास ही दिन होते हैं, बाकी दिनों तो पढ़ाई लिखाई में ही टीचर्स भी और स्टूडेंट भी बिजी रहते हैं। थोड़ा सा कोई भी ओकेज़न होता है तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक चलती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे आ गए हैं केक काटने के लिए, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये बच्चे बहुत ज़्यादा प्रिय थे, तो उन्हीं से केक कटवाया गया। तो अभी केक कट चुका है और सभी बच्चों को केक खिला दिया जाएगा, पहले बाद में नाश्ते में भी दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे पूनम मैम सबको केक खिला रही हैं और सभी टीचर्स थोड़े थोड़े से केक बच्चों को खिलाए थे। और अभी कृष्णा सर बच्चों को संबोधित करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में दो शब्द कहेंगे, उनकी रियल वॉइस मैंने रहने दिया है क्योंकि उनका स्पीच होता है ना बहुत ज्ञान भरा होता है। आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। 14 नवंबर का दिन है और 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद की धरती पर जन्म लेकर इस भारत वर्ष को जो है अंग्रेजों के आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जिनके लिए समस्त भारतवासी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास गए और उनसे हार्दिक इच्छा पूछे कि आपका हार्दिक इच्छा क्या है। तो उन्होंने जो है अपने जन्म दिवस को बच्चों के जन्म दिवस के रूप में मनाने के लिए ज्यादा उचित समझे और बोले कि हमें बच्चों से बहुत अधिक स्नेह और प्यार है। वह दिन प्रतिदिन
बड़े होते जाते थे, लेकिन बच्चों से उनका प्यार, दुलार, प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता था। इसीलिए समस्त भारतवासी 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते और दोहराते आ रहे हैं। शुरुआती काल से आदि सनातन से ही हमारे भारतवर्ष में गुरु और शिष्य का परंपरा जो है आदि कालों से चला आ रहा है। पौराणिक कथा है कि जिस समय गुरु द्रोण अपने शिष्य एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांगे थे, तो वह हंसते हुए अपने अंगूठे को काट कर और गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु द्रोणाचार्य को समर्पित कर दिए थे। इससे हमारा भारतवर्ष दिन प्रतिदिन एक नई गाथाएं गढ़ते गया और यहाँ तक कि सूरज और चांद की दूरी गुरुओं के माध्यम से प्राप्त कर लिए। हिंदी के कहावत में कहा जाता है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काट है खोर, अंदर हाथ सराय दे। शिष्य को अपने घरे को कुम्हार जब अपने घरे को गढ़ता है तब उस पर थपकी लगाते समय एक हाथ अंदर और एक हाथ बाहर देकर उसको एक अच्छे घरे का निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार से गुरु अपने बच्चों को निर्माण करते समय बीच बीच में कभी कभी प्यार से, कभी दुलार से थपकी देते रहते हैं। नाश्ता के साथ चलिए, हमारी पूनम मैम सबको सर्व कर रही है, बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रही है। पानी इधर खत्म कर दीजिए ना, सबको इसीलिए तो सब कुछ आ बहुत टाइम लगा लेगी सर, पैदल गए थे इतना ना जाम था ना। तो देखिए सर उधर स्पीच दे रहे हैं और अभी सब बच्चों के लिए नाश्ता निकाल दिया जा रहा है क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 3 बज चुके थे। तो यहाँ पे नाश्ता निकाला जा रहा है सभी बच्चों को अब, मतलब कि दे दिया जाएगा और साथ में पेंसिल भी है। ये देखिए एक झोले में, थैले में ढेर सारा पेंसिल और पेन भी है। 5 क्लास तक के बच्चों को पेंसिल दिया जाएगा और उससे ऊपर के क्लास के बच्चों को पेन दिया जाएगा। तो नाश्ते के साथ साथ ये गिफ्ट भी दिया जाएगा। बच्चे बहुत ज़्यादा गिफ्ट पाकर खुश हो जाते हैं, इतने से ही बच्चे वैसे भी भोले भाले होते हैं, छोटी छोटी सी गिफ्ट में ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और पेन पेंसिल तो उनके काम की ही चीज़ है, लिखने के काम में आएगा, तो और भी ज़्यादा खुश हो गए थे। तो ये देखिए बच्चे निकलते जा रहे हैं और उनके हाथों में नाश्ता और एक पेंसिल दे दिया जा रहा है। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपने दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ। जब भी मैं YouTube पे फेमस हो जाऊँगी ना, मुझे थोड़ी सी भी कामयाबी मिलेगी और मेरा पेमेंट आने लगेगा तो मैं बच्चों के साथ ही सेलिब्रेट करूँगी, स्कूल में आकर ही। मुझे बच्चे बहुत अच्छा लगते हैं, मतलब कि मैंने सोच रखा है कि थोड़ा सा मतलब पेमेंट आएगा तो मैं पूजा पाठ में लगाऊंगी, लेकिन बच्चे भी जो होते हैं ना भगवान का ही रूप होते हैं, तो बच्चों के साथ मैं ज़रूर सेलिब्रेट करूंगी अपनी फर्स्ट इनकम को। तो मेरी ये दिली इच्छा थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि भविष्य में अगर मैं भूल भी जाऊँ ना तो आप लोग मुझे याद करा दें। तो इसीलिए यही सोच के मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बच्चे वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने बताया ही आप लोगों को।
तो सभी बच्चों को यहाँ पे नाश्ता और पेंसिल एक एक करके दिया जा रहा है। सभी बच्चे जब चले जाएंगे उसके बाद टीचर सब अपना नाश्ता करेंगे। फिलहाल अभी बच्चों को ही दिया जा रहा है क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था, बच्चों को घर भी जाना है। वैसे 2 बजे छुट्टी हो जाती थी स्कूलों में हर बार, लेकिन आज जो है 3 बज गए थे, तो जल्दी जल्दी बच्चों को नाश्ता दे के उनको विदा किया जा रहा है। फिर बाद में टीचर्स आराम से बैठ के नाश्ता करेंगे। सारे लोग बिजी हैं भाई, काम करने में उनका बहुत बेचारी मेहनत कर रही है एकदम। कभी आप सबको हाय भी कर रही है, काम भी कर रही है। तो यहाँ पे देखिए अभी नाश्ता निकाल दिया गया है टीचर्स के लिए। समोसे हैं, मिठाइयाँ हैं, नमकीन हैं और बिस्कुट है। देखिए पूनम मैम सबको सर्व कर रही हैं। हम लोग बाहर में ही टेबल लगा लिए थे, खुले खुले में खाना अच्छा लग रहा था। अंदर वैसे भी थोड़ा सा अंधेरा टाइप था तो सभी लोग बाहर ही आ गए। और अभी जो है ठंड का मौसम भी आ गया ना, तो धूप थोड़ा सा अच्छा लगता है धूप में बैठने से। तो यहाँ पे देखिए मेरे साथ बड़ी मैडम है, छोटी मैडम और नीलम मैडम तो आई नहीं है, तो हम ही दोनों सीनियर में हैं बस। बाकी सब तो मतलब टीचर्स ही हैं अभी, लेकिन हम लोग से सब छोटे हैं, उम्र में छोटे ही हैं। तो अभी हम लोग नाश्ता कर लेते हैं और नाश्ता करने के बाद हम लोग निकलेंगे अपने अपने घर के लिए, क्योंकि हम लोग का नाश्ता करते करते 4 बज गए थे। इतना टाइम हो गया था आज स्कूल में, तो अब चलिए निकलते हैं। इनको नहीं आना है, उनको अच्छा मास्क लगाए हुए, जो मास्क लगाए हुए हैं उनको तो फिर कोई बात नहीं। चलिए स्कूल में छुट्टी हो गया, घंटे लग गए, हम लोग घर जा रहे हैं। क्या नहीं कुछ समझा, हम भी तो जा ही रहे हैं, हम लोग भी जा ही रहे हैं। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं और साथ ही मैं इस वीडियो का एंड भी करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।